यू आर वॉचिंग FNI न्यूज। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। कहते हैं कि उम्र 55 की हो लेकिन दिल बचपन का ही रहता है, कुछ ऐसी ही गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष रूप से बच्चों के लिए आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में बने इस सेल्फी पॉइंट पर बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी पंकज शर्मा, जिनका एक परिचय और भी है कि ये इस बार के निगम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पंकज शर्मा द्वारा क्षेत्र के प्रमुख कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के श्रीराम चौक पर आयोजित किया गया, जो कि इस इलाके में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नन्हे बच्चों के लिए आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का पहला कार्यक्रम रहा। मंच पर उपस्थित हमें बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण भाई लालजी भाई, जुगल किशोर जी और सभी तमाम साथी, जिनका पंकज जी ने संबोधित किया, नाम लिया। आ जाओ अभी आ जाओ ऊपर। मेरे साथ मेरे छोटे भाई पंकज शर्मा, जो यहाँ से चुनाव भी लड़े, दीपिका शर्मा और इरफान की बहन का नाम क्या है, नीलम, जो हमारी छोटी बेटी है, इरफान की वाइफ है। आप सबको आज के इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, विशेष रूप से बच्चों के लिए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, ये मेरा सुबह का 18वां फंक्शन है। 18 फंक्शन में मैं होकर आया हूँ, इतनी संख्या में बच्चे मुझे कहीं पर भी नहीं है। और आज के दिन का महत्व हमारे क्षेत्र में इस कार्यक्रम ने कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि आज के दिन को समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए। बेटे, ये दिन वो दिन है जब भारत को आजादी मिली थी अंग्रेजों से, हजारों का हजार कुर्बानियां करने के बाद, बलिदान देने के बाद आजादी मिली थी। और बहुत सारे तो आपकी उम्र के बच्चे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। तो इस बात के लिए कहता हूं कि आप कोई त्योहार मनाओ या ना मनाओ, लेकिन आज का जो त्योहार है स्वतंत्रता दिवस का, इसको जरूर मनाओ। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर पंकज शर्मा ने ये साफ संदेश देने की कोशिश की कि नन्हे बच्चों से, उम्र के इस पड़ाव पर इन नन्हे बच्चों को उनका जीवन जीने की संपूर्ण आजादी हो। और इसकी एक वानगी देखने को मिली उनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जहां 350 से भी अधिक बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और गिफ्ट देने के बाद भूख लगी है किसी को? जो सबको भूख लगी है, किसी बच्चे को सबसे गिफ्ट भी मिलेगा और सबको उसमें खाने भी मिलेगा। पंकज शर्मा ने इन बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया और ये उम्मीद जताई कि ये युवा पीढ़ी देश की आन बान और शान को कुछ इसी जज्बे के साथ यूं ही जिंदा रखेगी। अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।